एक बार फिर से आपका डियर देशपांडे YouTube चैनल पे बेहतरीन स्वागत। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, जो कि है ट्रॉनिका बेंजो टावर स्पीकर। हाँ, ये एक टावर स्पीकर है जो माइक के साथ आता है। मतलब ये आपको लगभग 2800 से 3000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 1.25 इंच का सबवूफर 55 वाटेज की साउंड मिल जाएगी। पर इसमें एक चीज देखने लायक है कि इसमें 1% डिस्टॉर्शन है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी वीडियो बिना इस्तेमाल किए नहीं बनाता, तो इसको भी मेरे को लगभग लगभग 45 दिन हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। सिंपली इसी तरह की पैकिंग में ये आता है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अब चलिए इसे जल्दी से खोल लेते हैं। कभी भी टावर स्पीकर खोलें तो उल्टा खोलिएगा, फायदे में रहेंगे। नॉर्मल क्वालिटी का माइक मिल जाता है, इसके साथ कुछ और पेपर वर्क भी आए तो एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एक यूजर मैनुअल में सारे छाप दिए। एक आता है, एक बेंजो आता है और एक कैरल आता है। तो हमको फिलहाल ये वाला देखना है, चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए कमाल की चीज, यहाँ पे वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना जरूरी है, ये थोड़ी अलग तरीके की है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, First 3 month, मतलब इसमें आपको केवल 3 महीने की प्रॉपर वारंटी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 3 महीने में कुछ भी होता है तो आपको इस सामान को कोरियर कर देना है इनके एड्रेस पे और ये आपको बना के वापस कर देंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है अगले 9 महीने तक, तो फ्री स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। कोई भी पुर्जा खराब हो तो आपको, तो ये लोग फ्री में आपको उसके पुर्जे दे देंगे। तो आपको पास वाली दुकान से 100-200 रुपए देके बनवा लेना। मतलब है तो टोटल वारंटी 1 ही साल की, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। तो मैंने आपको सही से इसकी वारंटी के बारे में बता दिया है। और इसके साथ माइक की एक केबल मिल जाती है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी की है, एक ऑक्स केबल मिल जाती है जो गोल्ड प्लेटेड नहीं है, और एक रिमोट मिल जाता है। चलिए अब जल्दी से अपने स्पीकर की तरफ आ जाते हैं। कुछ इस तरह से देखने के मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। जल्दी से इसका वजन कर लेते हैं कि ये कितने किलो का है। आप देख सकते हैं ये है 5 किलो का है। ये 1.25 इंच का लगभग आपको इसमें बूफर, 3-3 इंच के आपको इसमें 2 स्पीकर और लगभग 2.5 इंच का इसमें आपको बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है। और नीचे साइड देखिए रबर की पैडिंग दी गई है। बैक साइड में देख लेते हैं, आपको ऑक्स और माइक का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ऑक्स को कुछ सिंपली इस तरह से RCA कनेक्टर को लगा सकते। देखिए ऑक्स लग गया है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ब्लूटूथ तो दिया ही हुआ है। और यहाँ नीचे साइड इसका ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाता है। इधर साइड आपको वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप इस तरह से सिंपली से थोड़ा मोड़ा ट्यून कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। अरे बाप रे, इतना ज्यादा कैसे बोल दिया, ये चीज मेरे को पसंद नहीं आती। योर ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। बाकी देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें आप ये देखिए, इसमें रिंग लाइट आपको देखने को मिल जाती है जो कि RGB है। इसकी रिंग लाइट सही में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है, अपने आप ये कलर चेंज कर रही है। अब चलिए इसे साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। इसका रिमोट भी काफी ज्यादा मस्त है। कैसे, ये देखिए आपका रिमोट ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना, ट्रॉनिका का रिमोट लेकिन कर सकता है। पीछे आ गया, मतलब स्पीकर से काफी दूर आ, ताकि आपको एक प्रॉपर बेस का और साउंड का अंदाजा हो जाए कि ये रूम को पूरी साउंड से फिल करता है कि नहीं करता। ज्वाला जगह अंदर ज्योति पहले गालियां, आज वो तारीफें, आज वही तालियां, मैंने किया मैंने जो देखा मैंने पा लिया, परिवार है बना लिया। Change my ways, even crumple bodies. So
चलिए अब जल्दी से माइक की टेस्टिंग करते हैं, माइक कनेक्शन देख लेते हैं इसका। और ये माइक की केबल है, तो ये माइक की केबल कुछ इस तरह से इस वाले पोर्ट में लग जाएगी। इस तरह से माइक का कनेक्शन भी हो गया, माइक में भी लगाना दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, अब इसको सिंपली मैच करके लगा देंगे। माइक भी रेडी हो गया, ऑन ऑफ करने का बटन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे मोड पे काम नहीं करता, इसके लिए एक माइक वाले मोड पे आ जाना है। तो अभी देखिए ब्लूटूथ मोड पे है, अब हमें इको मोड पे आ जाना है। तो देखिए इको मोड पे आ गए हैं। इको मतलब केवल माइक काम करेगा इसमें, आप कैरोके की तरह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ऐसे अनाउंसमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन आवाज काफी ज्यादा है, लाउड हेलो, बहुत ही तेज आवाज है, फुल वॉल्यूम और क्लियर भी है काफी, लेकिन इको बहुत ज्यादा है, कंट्रोल ऑप्शन नहीं है इको का। अमेजोन पे अभी फिलहाल ये ट्रोनिका बेंजो 3 ये अभी आपको केवल 2850 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए अब साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ देखिए सारी पेचे लगे हुए दिख जाते हैं, अब जल्दी जल्दी ने खोल लेते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से बाहर आ गया, यहाँ पे इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे इसका मेन सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे इसका माइक का कनेक्शन और ये नॉर्मल RCA कनेक्शन दिया गया, 0.8 mm की MDF बोर्ड पे बना हुआ है। ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ दिख जाता है, जो कि देखने में लगभग 2 एम्पियर के आसपास लग रहा है, जिस हिसाब से इसका कोर बना हुआ है। तो ट्रोनिका बेंजो में आपको ये सर्किट बोर्ड देखने को, ये 4 IC वाला बोर्ड इसमें लगा हुआ दिख जाता है, इसके लिए गुड जॉब ट्रोनिका, मतलब इसमें 20-30 की 4 IC लगी हुई दिख जाती हैं, इसमें से 2 IC इस सबवूफर के लिए और 2 IC एक एक आगे जो स्पीकर लगे हैं उनके लिए है। 1 IC लगभग मैक्सिमम 15 वॉट तक का आउटपुट दे सकती है, तो 15 × 4 कितना हुआ 60 वॉट, और कंपनी जैसा क्लेम करती है 55 वॉट, IC लगाई हुई है 60 वॉट की, और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 55 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें आप देख सकते हैं दो तरह के रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, एक ऐसे थोड़ा सा कि ग्रीन टाइप के ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वैसे देखने में तो फिलिप्स के ओरिजिनल लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ भी हो सकता है कलयुग। यहाँ पे 2 4558 IC लगी हुई है, जो की अच्छी क्वालिटी की, मतलब ये IC और ये जो DA2030 है दोनों ट्रायंगल की है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, 4558 लगी हुई है। एक IC का काम है इन दोनों IC के वोल्टेज को मर्ज करना, और दूसरी IC काम करती है एज अ लो बेस फिल्टर, मतलब वूफर को सिर्फ वूफर में केवल बेस आए, कोई भी साउंड ना आने पाए, तो वो ये वाली IC काम करती है 4558। यहाँ पे एक और IC लगी, ये IC है 7805, इसका काम होता है इस ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो सामने इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो चल सके, और साथ में इसमें 2 25 वोल्ट 3300 UF के 2 कैपेसिटर इसमें लगे हुए, जो कि कैपेसिटर मेरे हिसाब से शायद इंडियन कंपनी के ही, रुद्र करके लिखा हुआ है। ये देखिए 2500 UF का एक अलग से कैपेसिटर और लगाया हुआ है, पर क्वालिटी वाइज तो वूफर सही में बता रहा हूँ काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का वूफर देखने में लग रहा है, पेपर कोन वगैरह काफी अच्छा बना हुआ है, जैसा आप खुद ही देख पा रहे हैं, साइज नाप लेते हैं। तो ये देखिए 9 पे आ रहा है, मतलब ये 90 mm का है, वो 90 mm के मैग्नेट इस्तेमाल किया है, इसमें कहीं भी पीछे वोल्टेज वगैरह तो नहीं लिखी हुई है। जो 90 mm का वूफर होता है वो लगभग 30 से 40 वॉट के आसपास का होता है, लेकिन कई कंपनियां इसे 50-55 वॉट का भी कह के बेचती हैं। और यहाँ पे इसका नॉर्मल वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का नॉब मिल जाता है, अलग से यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाया गया है। ये बॉक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके बेस से ये जो स्पीकर है इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह ना आए, क्योंकि जब बेस बजता है तो बहुत ज्यादा एयर जनरेट होता है, और अगर स्पीकर इसमें ऐसी खुले लगा दिए बिना बॉक्स के तो स्पीकर डैमेज हो जाएंगे। तो क्वालिटी वाइज तो मतलब अच्छा लगा मेरे को, आप बिल्कुल आप इसे एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए भारत सरकार को। तो चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।